स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे और अदर जो भी एग्जाम होते हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाई, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बैक्टीरिया डिस्कवर कौन किया था? तो बैक्टीरिया अंटोनियन वन ल्यूनहुक, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और देखिए बैक्टीरिया आखिर में इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए बैक्टीरिया का फोटो भी हम इसीलिए लगा दिए। तो देखिए ई क्वाइल जिसको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से देखिए ये ई क्वाइल, ई भी नाम है, साइंटिफिक नेम बोला जाता है बैक्टीरिया का। और इसको डिस्कवर्ड कौन किया था? थियोडोर इसेरिच। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा कि साइंटिफिक नेम जो है ई क्वाइल जिसको बोलते हैं वो कौन डिस्कवर्ड किया था? तो वो किए थे थियोडोर इसेरिच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एंग्लो नूबिन इज ए ब्रीड ऑफ, तो जो देखिए एंग्लो नूबिन ब्रीड है ये गोट का, बकरी का ब्रीड है, और ये यूएसए का ब्रीड है। ठीक है, और इंडियन ब्रीड कौन कौन सा होता है बकरी का? तो ये देखिए मारवाड़ी होता है, बेरारी होता है, मलबारी होता है, बंगाल होता है, गद्दी होता है, कश्मीरी होता है, जमुना परी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये डिफरेंट एग्जाम में आ चुका है, बीटल। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, जितने में भी री आर आई आया है वो सारा इंडिया का बकरी है, आर आई। तो देखिए बरवारी, बिरारी, मलबारी, एक दो तीन चार पाँच, तो देखिए पाँच तो आपको इसी तरह याद हो गया, तो ये इस तरह याद कर सकते हैं आप। और उसमें सबसे फेमस जमुना परी है, इसको डिफरेंट बार बहुत बार मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी में भी 2 बार पूछा जा चुका है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज ट्रीटेड विद द जिप्सम टू मेक इट सुटेबल फॉर क्रॉपिंग? देखिए सॉइल जो होता है वो अल्कलाइन बनाया जाता है, एसिडिक नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर वो एसिडिक हो जाएगा तो वहाँ पर सॉइल उपजेगा ही, मतलब कि फसल उपजेगा ही नहीं, तो इसीलिए सॉइल को हम लोग अल्कलाइन रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइफॉइड फीवर इज कॉज्ड बाई, तो टाइफॉइड होता कैसे है? टाइफॉइड होता है आपको बैक्टीरिया से। और देखिए एक चीज और देख लीजिए टाइफॉइड के बारे में, टाइफॉइड फीवर ऑल्सो नोन एज टाइफॉइड इट इज द कॉमन वर्ल्ड वाइड बैक्टीरिया डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द इंजेक्शन ऑफ द फूड। देखिए अगर गंदा फूड खान पानी गंदा पानी पियोगे तो आपको ये टाइफॉइड हो सकता है। और इसमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है उस बैक्टीरिया का नाम भी पूछा जाता है, द सेलोमिनिन टाइपी और स्टीरियोटाइपी जो है, ये दोनों बैक्टीरिया का नाम आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका सिम्टम्स क्या क्या है? हेडेक होगा, आई पेन होगा, फीवर होगा, मसल्स पेन होगा, जॉइंट पेन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल रिसेप्टर? तो देखिए ब्लड ग्रुप कौन सा इसमें से यूनिवर्सल रिसेप्टर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी, इसमें सामूहिक सार्वभौमिक प्राप्त करता है, तो ए बी को हम लोग यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। और ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, मतलब वो किसी भी ब्लड ग्रुप को अपना खून दे सकता है, ओ जिसका भी ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो देखिए ए में एंटीजन ए पाया जाता है, बी में बी पाया जाता है, ए बी में ए बी पाया जाता है। अब ये आपको ध्यान रखना होगा कि ग्रुप ओ में आरबीसी में कोई एंटीजेंस नहीं पाया जाता है, नन। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा चुका है कि ओ ग्रुप में कौन सा आरबीसी का कौन सा एंटीजन पाया जाता है, और वो ऑप्शन दे देता है और लड़का लोग मार के आ जाता है, इसीलिए इसमें नन होगा, ये ज़्यादा ध्यान रखने वाला होगा। और एंटीबॉडीज प्लाज्मा का, तो देखिए यहाँ पर आप एंटीबॉडी प्लाज्मा का जब देखोगे तो जो जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें एंटीबॉडीज बी पाया जाता है, जिसका बी होगा उसमें ए पाया जाता है, और ए बी में एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता है।
और ओ ग्रुप में ए बी दोनों पाया जाता है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाला चीज है कि एंटीबॉडीज जो है वो ए बी में नहीं होता है और एंटीजन्स जो होता है ओ में नहीं होता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनिमल विच हैज केम एक्सटिंक्ट रिसेंटली इन द इंडिया हैपेंस टू बी, वो चीता है, इंडिया का इकलौता ऐसा जानवर है जिसको एक्सटिंक्ट माना गया है। बहुत लोग गोल्डन कैट सोचते हैं मगर गोल्डन कैट नहीं है, चीता है। चीता हैव बीन नोन टू एक्सटिंक्ट इंडिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट एज द रिजल्ट ऑफ हंटिंग एंड अदर कॉजेज चीता हैव बीन एक्सटिंक्ट इंडिया सिंस 1940। द चीता इज द ओनली एनिमल दैट हैज बीन डिस्क्राइब एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन द लास्ट 100 ईयर, 100 साल के अंदर में इकलौता जानवर है जिसको एक्सटिंक्ट माना गया है, रेड बुक में रखा गया है। ठीक है, अब बायोलॉजिकल नेम क्या होता है चीता का, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एसोनेक्स जुबेटस, ये इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम द सिंगल प्लांट बाय द वेजिटेशन प्रोपोगेशन आर कॉल्ड। तो देखिए, प्रोपोगेशन जो होता है वनस्पति का प्रचार द्वारा एक एकल पौधे से प्राप्त हुई सभी संतितियों को कहा क्या जाता है, वो कहा जाता है क्लोन। आप देखो, किसी आप देखे होंगे कि कभी कभी गांव में लोग क्या करते हैं कि एक पेड़ में वहां पर मिट्टी बांध के वो उसको बांध देते हैं प्लास्टिक से। तो ये रूट देख रहे हो, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में फिर इसको लगा दिया जाता है। तो ये क्लोनिंग होता है, एक ही चीज से बहुत सारा चीज को जनरेट कर देते हैं एक ही पेड़ से। ठीक है, व्हाट इज स्पॉन्जी, एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। स्पॉन्जी है क्या, स्पॉन्जी एक सेट में पूछा गया, स्पॉन्जी क्या है, तो वो एक एनिमल है और स्पॉन्जी एक पोरीफेरा फाइलम में आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से फाइलम में आता है, तो पोरीफेरा फाइलम में आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है स्पॉन्जी का, स्पॉन्जी डू नॉट हैव नर्वस डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम। जानवर मतलब पशु होने के बावजूद भी इसका कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, मतलब कि पचाने का कोई जो सिस्टम, जैसे हम लोग का बड़े पेट होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उस तरह इसका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप मे बी प्रेजेंट इन द चिल्ड्रंस ऑफ ए कपल हैविंग द ब्लड ग्रुप ए एंड बी, तो देखिए रिस्पेक्टिवली, तो ए और बी अगर कपल को होगा तो इसमें ए बी, ए बी और ओ, इसमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ब्लड ग्रुप यहाँ पर देख लीजिए, गिव्स टू दिस ग्रुप, ओ जो है अपना खून सभी को दे सकता है। ठीक है, और रिसीव किससे कर सकता है, केवल ओ माइनस से, इसीलिए ये सबसे इसका प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है, क्योंकि ओ ग्रुप किसी को खून तो दे सकता है मगर जब लेने का वक्त आता है तो ये सिर्फ और सिर्फ ओ माइनस से ही खून लेता है। उसी तरह ओ प्लस जो है वो ए बी, ए बी, ओ सबको दे सकता है मगर ले सिर्फ ओ माइनस और ओ प्लस से ही ले सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह आप सारा देख सकते हैं, जैसे ए बी हो गया, ये गिव दिस ग्रुप टू ए बी ओनली, ए बी जो है सिर्फ ए बी ग्रुप को दे सकता है और ले किससे सकता है, सभी से। ए बी जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा और वो एक्सीडेंट कर जाता है तो वो ए, ए बी, ओ माइनस, ओ मतलब किसी से भी खून ले सकता है, तो इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज विटामिन बी वन, तो विटामिन बी वन को बोलते हैं थायमिन, और देखिए और सब भी है, तो विटामिन बी वन को थायमिन बोलते हैं, बी टू को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, बी थ्री को नियासिन बोलते हैं, बी फाइव को पैंथोनिक एसिड बोलते हैं, बी सिक्स को बहुत सारा पैराथोडक्सिन बोलते हैं, पैराथोडक्सल बोलते हैं। ठीक है, बी सेवन को बायोटिन बोलते हैं, बी नाइन को फॉलिक एसिड बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉलिक एसिड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट सारे आप सारे देख लेना एक बार। बी ट्वेल्व को वेरियस कोबलामाइन बोला जाता है और इसमें
कोबाल्ट का मात्रा ज्यादा होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन ऐसा है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा B12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द ग्लैंड दैट होल्ड्स द बॉडी टेम्परेचर। तो सबसे पहले तो ग्लैंड के बारे में समझिए, ग्लैंड होता क्या है। ग्लैंड जो एंजाइम और हार्मोन कंटेन करता है, ठीक है, उसी को ग्लैंड कहते हैं। तो अब देखिए, ग्रंथि जिसको बोलते हैं, और ग्लैंड दो तरह का होता है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है वो एंजाइम को सेक्रेट करता है, और इंडोक्राइन ग्लैंड है वो जो वो हार्मोन को सेक्रेट करता है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये इंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड इंडोक्राइन ग्लैंड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल है, ठीक है। अब देखिए, एक मिक्स ग्लैंड भी होता है जो है पैनक्रियाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिक्स ग्लैंड में आता है, ये बोथ इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन भी है। इतना आप समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं, ये पूछ क्या रहा है। कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो बॉडी टेम्परेचर मतलब बॉडी के तापमान को कंट्रोल करता है, तो वो है हाइपोथैलेमस। अब देखिए, इसमें एक चीज देख लीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड भी इंपॉर्टेंट। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ, मतलब कि उसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? ब्रेन में, हाइपोथैलेमस ब्रेन में, और पीनियल भी ब्रेन में, ये तीनों ब्रेन का ही। और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस है। पिट्यूटरी जो है वो सारे बॉडी के सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है, मगर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो और इस क्वेश्चन के अनुसार जो बॉडी टेम्परेचर का नियंत्रित करता है वो है हाइपोथैलेमस। तो आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया सीक्रेट क्या करता है। तो देखिए, पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो एंटीजन के लिए होता है, ठीक है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर द बैक्टीरिया दैट कॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द ह्यूमन बींग, एनिमल और प्लांट्स। पैंथोजेनिक बैक्टीरिया कंट्रीब्यूट ग्लोबल इंपॉर्टेंस डिजीज सच एज निमोनिया विच कैन बी कॉज बाय द बैक्टीरिया स्टीरियोपेटोकस एंड द पिसिडोमोनस, ठीक है। फूड बोन इलनेस विच कैन बी कॉज बाय द बैक्टीरिया सच एज, तीन बैक्टीरिया का नाम दिया, इसमें सेलमोनेला सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक देखिए, जो इसमें ये मतलब कि जो बॉडी का ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो डिजीज बनाता है, मतलब कि जब आपके शरीर में इंटर होगा तो ये आपको एंटीबॉडीज को मतलब कि कमजोर कर देगा। इसीलिए इसको खत्म करने के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज लेना पड़ता है, जैसे आपको WBC को ये खराब करने चालू कर देगा, जिसको कमजोर कर देगा, आपको इतना कमजोर कर देगा कि आपकी बॉडी की जो किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता है उसको खराब करने लगता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो इसीलिए फिर जब आप बीमार पड़ोगे तो आपको अलग से एंटीबायोटिक दिया जाता है ताकि वो एंटीजन को ये समाप्त कर सके। तो इसका आंसर हो गया ए, सीक्रेट्स एंटीजन, ठीक है, एंटीजन को सीक्रेट करता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज फाउंडेड बाय। तो देखिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो ये फाउंड किया था कार्ल लेनियस। तो कार्ल लेनियस का देखिए, जो कार्ल लेनियस थे ये एक जूलॉजिस्ट थे, और ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोले जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ही वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। तो मॉडर्न इकोलॉजी के भी ये फादर बोले जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ही इज ऑल्सो कन फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, वीडियो क्लिप और MNH, ठीक है। बाइनोमियल इसका आंसर हो गया सी, कार्ल लेनियस से जितना भी संबंधित क्वेश्चन था सारा बता दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंड्यूस्ड बाई द ओक्नो जीन। ओक्नो जीन जो होता है वो कैंसर के लिए होता है, जब आपका नॉर्मल सेल रहता है, जब ऑक्नोजिन होता है, ठीक है, ऑक्नोजिन एजेंट जो होता है वो जब इंटर करता है तो आपका देखिए सेल कैसा हो जाता है, कैंसर सेल हो जाता है। डोरेंटिया सिक्यूरस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो ये जानवर को आप लोग पहचानते होंगे, इसका नाम है गिलहरी, स्क्विरल। तो इसका आंसर हो गया सी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और देखिए, इससे रिलेटेड साइंस जो जनरल साइंस रेलवे के लिए ऑलरेडी हम 15 सेट डाल चुके हैं, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देखिए, क्योंकि वो जितना भी क्वेश्चन हमने डाले हैं वो सारे
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं रेलवे में, एएलपी और टेक्नीशियन और ग्रुप डी में, तो वो आपको हेल्प कर सकता है।